आप लोगों का ऑफिशियल मार्कशीट जो आपको मिलने वाला है, जो इस बार मार्कशीट आ रही होगी उसमें जो है एक मेजर बड़ा चीज ऑनलाइन मार्कशीट आपको इस तरीके से मिलेगी। यहाँ पे आप लोग के कुछ घंटों में टाइम, वो नंबर है जो सीबीएसई बोर्ड क्लेम करती है कि 1 से 5 नंबर वाले बच्चों को हम इंडिविजुअली ग्रेस देकर पास करते हैं। बात ये है ना कि मार्कशीट में आप लोग के एक बहुत ही बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। कंपार्टमेंट के स्टूडेंट्स आप लोग हैं तो आज की वीडियो आप लोग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। 10th और 12th दोनों स्टूडेंट्स की इस बार मार्कशीट को लेकर एक्सक्लूसिव जो है हमारे पास मार्कशीट आ चुका है। आज की वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट एक मार्कशीट दिखाऊंगा और साथ ही साथ आपको डिफरेंट बताऊंगा कि आपको कैसे मार्कशीट मिलने वाला है और ये मार्कशीट और आपकी मार्कशीट में यानी पास वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मार्कशीट में और जो कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी मार्कशीट में क्या इस बार एक बड़ा डिफरेंट आने वाला है और ये कैसे आपको आगे की क्लासेस में आपको दिक्कत करेगा या करेगा नहीं करेगा उसको लेकर भी बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कंपार्टमेंट के एग्जाम के यहाँ पे काउंटर स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे अब आप लोग के कुछ घंटों में टाइम रह चुका है तो पूरा बेस्ट दीजिए। कंपार्टमेंट में पूरा बेस्ट देने का मतलब है एनसीईआरटी को रट डालिए, दोबारा से रिविजन कर डालिए। एनसीईआरटी को रिविजन करने के साथ साथ 4 से 5 सैंपल पेपर जो है कर डालिए। ये 4 से 5 सैंपल पेपर आपको ये 2 दिन में या फिर 2 से 3 दिन में आपको पूरा कंप्लीट कर देना है और ये सैंपल पेपर आपको यहाँ पे आपको जो है हेल्प करेगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है ये जानने में और आपका किस चैप्टर में आपकी वीकनेस है। तो आपको सैंपल पेपर जब आप करेंगे और कोई क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे तो आपको ओवरऑल पता लगेगा कि किस चैप्टर के क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपको जरूर पता लगेगा। तो जाकर जो करिएगा, आज का वीडियो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी होने वाला है क्योंकि मार्कशीट तो आपको दिखाने वाला हूं, एक सबसे बड़ी अच्छी खबर भी आज की इस वीडियो में आप लोग के लिए होने वाला है। लास्ट की वीडियो में जो है आप लोग के काफी सारे कमेंट्स आए थे, मैंने आपको लिंक दिया था लेकिन काफी बच्चों का फिर भी कमेंट्स आ रहा था कि हमें लिंक नहीं मिल पाया। तो आज की इस वीडियो में आपके जितने भी ये जो क्यूरी थे ना आप लोग के कंपार्टमेंट के स्टूडेंट्स, चाहे 10th वाले हो या 12th वाले हो, दोनों स्टूडेंट्स का लेकर जो है सारी चीजें यहां पे कंप्लीट कर रहे हैं। आप लोग के लिए जो है मैंने एक लिंक जनरेट कर दिया है, यानी कि ये लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप लोग के पास्ट 6 ईयर के कंपार्टमेंट के पेपर आपको मिल रहा होगा ऑल सब्जेक्ट का। तो 10th वाले जो कहते हैं कि मुझे साइंस का चाहिए, मैथ का चाहिए, 12th वाले स्टूडेंट्स कहते हैं मुझे कॉमर्स का चाहिए, अकाउंट का चाहिए, फिजिक्स का चाहिए, मैथ का चाहिए, तो ऑल सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं यहां पे, तो ऑल सब्जेक्ट का पेपर आपको जो है ये 6 ईयर का आपको मिलने वाला है। एक लिंक मैं आपको बताऊंगा वो लिंक कहां पर है और आपको सीबीएसई बोर्ड के जो टॉपर का आंसर शीट है ये आपको मिल रहा होगा। टॉपर का आंसर शीट आपको ये बताएगा कि बोर्ड में आपने कौन सी गलती की थी और इस बार आपको कंपार्टमेंट में कौन सी गलती नहीं करनी है। तो आपको जो टॉपर का आंसर शीट है ये आपको जो है पूरा पेपर प्रेजेंटेशन आपको सिखाएगा, इस पर एक मैंने डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है तो ये वाला वीडियो जाके जरूर देखिएगा इस चैनल के बाद, इसमें मैंने काफी सारी चीजें बात कर रखी है तो ये वीडियो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके अलावा जो है आप लोग को सीबीएसई बोर्ड का सैंपल पेपर भी यहां पे जो है मिल जाएगा। तो ये जो लिंक है ये ऑल इन वन लिंक इसलिए बनाया है क्योंकि अब एग्जाम को लेकर ज्यादा टाइम बचा नहीं है, वैसे में आप लोग रिवीजन ही करने वाले हैं तो ये रिवीजन के लिए सारी चीजें मैंने यहां पे आपको प्रोवाइड करा दिया है। एक स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट होगा, आपका एक लाइक जो है ना मुझे मोटिवेट करता है इसी तरीके से आपको और ज्यादा हेल्प करने के लिए, तो आप लोग जो है एक लाइक करके सपोर्ट जरूर करिएगा। तो नीचे कमेंट करके जो है आप लोग जो है अपने क्लासेस को लिखिए और ये लिखिए नीचे कमेंट करके कि आप जो है आपकी जो तैयारी है वो किस लेवल की है। फियर तो सबके अंदर है, मैं यहां पे गॉड से प्रे करूंगा और आप लोग दोस्तों अपनी तैयारियों पे बिलीव रखिए, डेफिनेटली आप लोग पास होंगे। तो बस आप लोग को जो है यहां पे आपको वो सारी चीजें करनी है जो आप लोग बोर्ड में यहां पे नहीं किए थे, इस बार आपको वो चीजें करनी पड़ेगी क्योंकि बोर्ड में आपने कहीं ना कहीं कमी रखी थी तब आपको जो है यहां पे कंपार्टमेंट मिला है। और सीबीएसई बोर्ड की तरफ से जो अनजस्टिस हुआ है, काफी सारे बच्चे आप में से ऐसे हैं, मैं सभी बच्चों को नहीं कह रहा कि सबने जो है बेस्ट नहीं दिया था बोर्ड में, सबने पूरा बेस्ट दिया था क्योंकि आप में से मैंने जो लास्ट वीडियो आप लोग का ये वाला बनाया था उसमें 1-2 नहीं दोस्तों यहां पे 1000+ स्टूडेंट्स का एक ही कमेंट था कि मुझे 1 से 5 नंबर से यहां पे कंपार्टमेंट दिया गया है। मैं 1 से 5 नंबर यहां पे इसलिए आपको रिमाइंड करा रहा हूं क्योंकि ये वो नंबर है जो सीबीएसई बोर्ड क्लेम करती है कि 1 से 5 नंबर वाले बच्चों को हम यूजुअली ग्रेस देकर पास करते हैं। अब ये ग्रेस वाली बात है कितनी ज्यादा रियलिटी है ये आप लोग बता सकते हैं, तो ये सारी चीजें भी है। सीबीएसई बोर्ड का ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक भी मैं आपको यहां पे दे दे रहा हूं जो बोर्ड ने प्रोवाइड कराया था आपके 2024 के एग्जाम को लेकर, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा तो वो भी जाके देख लीजिएगा। आपको ये सारी चीजें कहां मिल रही होगी, टेलीग्राम पे हमारी मिल रही होगी। टेलीग्राम पे मैंने सारा चीज एक एक करके जो है प्रोवाइड करा दिया है। सिंपली आप लोग टेलीग्राम पे सीखे हिंदुस्तान भी लिख सकते हैं या फिर जो है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, सबसे ऊपर टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उस पर जो है आप लोग क्लिक करके जा सकते हैं। कई बार देखा मैंने कि लिंक जो है वर्क नहीं करता, एरर आ जाता है या फिर रीट्राई आ जाता है, तो इससे बेटर है कि टेलीग्राम पे आप लोग सीखे हिंदुस्तान लिख लीजिए और सिंपली जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए। और
और जो बच्चे टेलीग्राम नहीं चलाते हैं उनके लिए भी सॉल्यूशन है। आप लोग टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम जो है ना वहां पे मुझे डीएम करिएगा, मैंने काफी बच्चों को वहां पे मैं हेल्प कर रहा हूं। आप में से काफी सारे बच्चे जो ऑलरेडी वहां पे मेरे साथ कनेक्टेड है वो जो है उनको मैंने कई सारे लिंक दिए हैं, कई सारे बच्चों को यहां पे इनडायरेक्टली जो है मैंने उनसे बात किया है, तो वहां पे जो है आपसे मैं वन टू वन बात करता रहता हूं। तो आपका भी कोई डाउट होता है तो इंस्टाग्राम पे आप मुझसे बात कर सकते हैं, और आपको मैंने बताया आपके पास अगर टेलीग्राम नहीं है तो सिंपली आप लोग वहां पे मुझे डीएम करके पूछेंगे तो मैं आपको वहां पे लिंक दे दूंगा। अब हम यहां पे बढ़ते हैं सीधा मेन टॉपिक पे, मेन वीडियो पे बढ़ते हैं, जिसको लेकर दोस्तों आप लोग को मैं यहां पे एक्सक्लूसिव सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूं। अब आप लोग स्क्रीन पे जो मार्कशीट देख रहे हैं ये है आप लोग का ऑफिशियल मार्कशीट जो आपको मिलने वाला है। तो इस बार जितने भी टेंथ के स्टूडेंट्स है ना, टेंथ वाले जितने हैं, ट्वेल्थ वाले जितने हैं, तो आपकी जो ऑफिशियल मार्कशीट है आप लोग सबसे पहले एक्सक्लूसिव जो है आपको मैं यहां पे दिखा रहा हूं। तो ये मार्कशीट सेम मार्कशीट आपको यहां पे मिलने वाला है, यही सेम मार्कशीट इस बार टेंथ को भी मिलेगा, यही सेम मार्कशीट आपको ट्वेल्थ को भी मिलेगा। जो बच्चे यहां पे एग्जाम देंगे उसके बाद जब आप लोग पास हो जाएंगे तो आप लोग को सेम मार्कशीट मिलने वाला है। आप लोग देख सकते हैं सीबीएसई का यहां पे मार्कशीट है 2024, आप लोग यहां पे पढ़ पाएंगे। तो ये पूरा कंप्लीट आपको मार्कशीट दिखा रहा हूं, इस तरीके से आपको जो है पूरा कंप्लीट आपको मार्कशीट मिलने वाला है। ये मार्कशीट आप लोग देखेंगे तो यहां पे मार्कशीट जो है यहां पे बस फर्क क्या होगा, तो इस मार्कशीट में और आपकी मार्कशीट में क्या फर्क होगा, ये मार्कशीट जो है पास वाले स्टूडेंट्स की है। उनसे हमने ये भी बात किया कि कंपार्टमेंट वाले बच्चों की मार्कशीट में इस बार क्या चेंज होगा, जैसे कि लास्ट ईयर जो चेंज हुआ था वो तो मुझे पता है, उससे लास्ट ईयर जो चेंज हुआ था वो तो मुझे पता है, लेकिन इस साल क्या चेंज होगा। तो उन्होंने कहा इस साल जो इस बार मार्कशीट आ रही होगी उसमें जो है एक मेजर बड़ा चेंज होगा। जैसे कि लास्ट ईयर में क्या होता था कि यहां पे एक कोड होता है, तो ये कोड में जो है यहां पे एक सी लिख दिया जाता है, जैसे बाकी के कोड में आप लोग देखेंगे सी ए बी करके जो है यहां पे कोड होता है, डी से यूजुअली स्टार्ट होता है, लेकिन जो कंपार्टमेंट वाले बच्चे होते हैं वहां पे जो है यहां पे सी लिख दिया जाता है, उसके बाद 10 जो भी आपका नंबर होता है यहां पे रजिस्ट्रेशन नंबर, तो वो नंबर यहां पे होता है। तो लेकिन ये सी इंडिकेट करता है कि ये कंपार्टमेंट वाले बच्चों का यहां पे मार्कशीट होता है। लेकिन इस बार क्या चेंज होगा, तो बोर्ड ने कहा है इस बार जो है कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, इस बार ये सारा चीज ऊपर आप लोग देख रहे हैं ये सारा चीज जो है आपका सेम एज इट इज होने वाला है। बाकी जो रेगुलर बच्चे इस बार जो पास हो चुके हैं उनकी तरह, यानी पास वाले स्टूडेंट्स के लिए सब कुछ सेम होने वाला है, बस एक चेंज क्या होगा, तो चेंज आप लोग देखिए ये एक पास वाले बच्चों की मार्कशीट दिखा रहा हूं, टेंथ का भी ऐसा ही होगा तो ट्वेल्थ वाले बच्चों का भी ऐसा ही होगा। तो ये जो है आपका यहां पे सारे के सारे मार्क्स लिखे रहेंगे जो आपका अपडेटेड मार्क्स होगा। अभी आपके क्या होगा किसमें, किसी एक में कंपार्टमेंट आपकी लगी होगी या किसी के दो में लगी होगी, तो ये जो मार्क्स है वो आप लोग एग्जाम के बाद जब अपडेट हो जाएगा, जब आप लोग पास हो जाएंगे, तो यहां पे जो है इस तरीके से पूरा मार्क्स आपका लिख दिया जाएगा, एक कंबाइंड मार्कशीट आपको इस तरीके से मिलेगी। यहां पर आप लोग देखेंगे तो इसमें चेंज क्या होगा, तो यहां पे आप लोग देखेंगे तो यहां पे स्कूल का कहना है कि इस बार जो है आपको कैसे पता लगेगा कि ये कंपार्टमेंट वाले बच्चों की मार्कशीट है या कैसे पता लगेगा कि ये एक नॉर्मल पास वाले बच्चे की मार्कशीट है, तो ये डेट इंडिकेट करेगा, ये डेट इंडिकेट करेगा कि आप कंपार्टमेंट से पास हुए हैं या फिर आप जो है आप डायरेक्टली जो है आप बिना कंपार्टमेंट के पास हुए हैं, यानी कि आपके रिजल्ट में ये डायरेक्ट पास लिखा हुआ पहले से ही आया था, यानी आपको कंपार्टमेंट देने के बाद जो है आपका ये पास नहीं हुआ है, आप पहले से ही पास थे, ये इंडिकेट करेगा यहां पे डेट। तो ये बस डेट आपका यहां पे चेंज रहेगा। जो बच्चे पूछते हैं क्या मार्कशीट अलग होगी, तो मार्कशीट सब कुछ इस बार सेम रहने वाली है, बस यहां पे डेट चेंज हो जाएगा। जैसे कि ये देखेंगे ये 13 मई की यहां पे डेट है, और आपको याद होगा 13 मई को क्या हुआ था, 13 मई को आपका रिजल्ट आया था यहां पे सीबीएसई बोर्ड का, तो 13 तारीख को रिजल्ट आया था, इसलिए मार्कशीट में यहां पे क्या लिखा हुआ है, 13 तारीख लिखा हुआ है, यानी 13 मई लिखा हुआ है। आपका रिजल्ट कब आएगा, आपका रिजल्ट जो है अगस्त के फर्स्ट वीक में यूजुअली यहां पे रिलीज किया जाता है। तो जैसे मान लिया अगस्त के यहां पे 1 तारीख को, यानी 1 अगस्त को रिलीज आता है, 1 अगस्त को अगर रिजल्ट आता है तो यहां पे 1 अगस्त 2024 लिखा रहेगा, बाकी सब कुछ सेम होने वाला है। यानी कि कोई मार्कशीट देखकर, यानी ऐसे मार्कशीट अगर दिखाया जाए उसका, तो वो इससे देखकर ऐसे बिल्कुल भी नहीं बता पाएगा कि कंपार्टमेंट वाले बच्चों की मार्कशीट है, वो जो है पता तब लगा पाएगा जब वो यहां पे डेट देखेगा, और डेट में अगर अगस्त देखेगा तो अगस्त से पता लगाया जा सकता है, अदरवाइज कोई भी तरीका नहीं होगा पता लगाने का। अब एक चीज और भी समझिए, ये तो रहा डेट बस चेंज रहेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अब आपके मन में सवाल जरूर आ रहा होगा, ये सवाल आप लोग नीचे कमेंट में लिखिए, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा, यानी कि डेट जो है डेट यानी कि डेट बदल जाएगा, बाकी बच्चों का मई होगा, मेरा अगर अगस्त लिखा रहेगा तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा। तो इसका पहला जवाब मैं आपको एक एक करके देता हूं, एडमिशन में क्या फर्क पड़ेगा, एडमिशन में कुछ आपको दिक्कत होगा, तो इसका जवाब है नहीं। क्या यहाँ पे कोई फॉर्म वगैरह जो आप लोग गवर्नमेंट जॉब्स वाले फॉर्म होते हैं क्या इसमें कोई दिक्कत होगा, तो इसको लेकर भी नहीं। तो क्या कहीं पर भी दिक्कत होगा, तो इसका जवाब है नहीं, यानी कि कहीं पर भी आपका ये मार्कशीट से ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपकी ये जो मार्कशीट है यहाँ पे अगर डेट यहाँ पे अगस्त होगा तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, सब कुछ सेम रहेगा और आपको भी वैसा ही ट्रीट किया जाएगा जैसे कि यहाँ पे पास वाले स्टूडेंट्स को ट्रीट किया जाएगा, तो कोई भी यहाँ पे फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अगेन मैं आपको कहूंगा ये फर्क आपका तब नहीं पड़ेगा जब इस बार आपकी अच्छी तैयारी होगी और जब आप लोग अपने रिजल्ट
पर ये वाला जो टैग देख रहे हैं ना, ये टैग, यही टैग आप लोग भी चाहते हैं और मैं भी चाहता हूं कि आप में से हर एक बच्चों का ये जो टैग है नीचे यहां पे लिखा हुआ पास, यही आपका यहां पे लिख जाए। अभी आपका यहां पे COMP लिखा हुआ है और ये टैग हटाने के लिए जरूरी है इन दो दिन में, इन तीन दिन में, ये जो कुछ घंटे आप लोग के बचे हैं इस कुछ घंटों में पूरा मेहनत लगा दीजिए। तो आई होप आपको जो है यहां से कुछ सीखने को मिला होगा, यहां से आपने जाना होगा, आपके कुछ सवाल क्लियर हुए होंगे। कंपार्टमेंट को लेकर आगे भी इसी तरीके से इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलने वाला है। मेरे चैनल पे जाकर जो है वीडियोस को जरूर चेक करिएगा।